أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہمان رمضان جی 14 افطار جی ٹرانسمیشن میں آؤں تاں جو میزبان عامر شاہ مساں گڈا ہے مایا کرن میر السلام علیکم وعلیکم السلام کرن کیڑا حال ہے الحمدللہ ٹھیک تاں بدایو الحمدللہ ہمیشہ وانگر مبارکن سان تاں کے بھی خوش خبرن سان سبن کے بھلی کار بچاوندا سی مبارکوں دیندا سی اج ماشاءاللہ سان 14 روزو ہے 14 روزے جی افطار ہے माशाल्लाह सां हाणे अची ही महिमान असांजो अधु ते बीठो आहे जेको शुरू में पहिरें तां हो हाणे अची अधु ते बीठो आहे सो इनशाला इहे बाक़ी 15-16 रोज़ा बि ख़ैरो आफ़ियत सां गुज़री वेंदा हलिया ऐं हर रमज़ान पाण खे कुझु न कुझु सेखारे वेंदो आहे का न का आदत विझी वेंदो आहे का न का हिकिड़ी छा चवंदा आहिनि त हू इंतज़ार जी घड़ी बि विझी वेंदो आहे ऐं खोड़ सारो सबर बि सेखारे वेंदो आहे रमज़ान महीनो ई अहिड़ो हूंदो आहे अलहमदिल्ला ऐं फ़ख्र सां इहो चई सघां थो त आउं 27-28 सालनि खां आउं रोज़ा रखंदो पियो अचां अलहमदिल्ला इहा अलाह साईं जी महिरबानी आहे जो अलाह साईं हिमत ॾिनी आहे ऐं ॿियो इहा सॼी शइ वेंदी आहे तरबियत ते तव्हां घर में माहौल ॾिसंदा आहियो अहिड़ो अमी खे बाबा खे कज़न्स खे भाउ भेणनि खे चाचा मामा हिकिड़ो तरबियत जेका हूंदी आहे न तरबियत उहा ई तव्हांखे अॻियां वठी वेंदी आहे सुठी तरबियत त ऑब्वियसली तव्हांखे सॼी दुनिया में ई तव्हांजो हिकिड़ो फैमिली जो किरदार जो ख़बर पवंदो तव्हांखे ऐं मूं हिकिड़ी ॻाल्हि नंढड़ा हूंदा हुआसीं असांजो वाले साहिबु असांखे मस्जिद में वठी वेंदो हो न त इफ़्तार घर करे पोइ वरी मग़रिब जी निमाज़ चवंदो हलो मस्जिद में हली पढ़ो नंढड़ा नंढड़ा हूंदा हुआसीं पोइ हिकिड़े दफ़ा कंहिं बाबा खां पुछियो त तव्हां छो भला ॿारनि खे त घरु वठी वेंदासीं तॾहिं निमाज़ पढ़ंदा कोन हुआसीं बाबा निमाज़ बि पढ़ंदो त असीं हेॾां भॼी वेंदासीं जेका ॿारनि जी एक्टिविटी हूंदी आहे हेॾां भॼी वेंदासीं होॾां भॼी वेंदासीं हीअं पिया कंदासीं पोइ खाम खाई वज़ू खाने वटि बीठा हूंदासीं नल खोले छॾींदा हुआसीं जेके ॿारनि जूं एक्टिविटीज़ हूंदियूं आहिनि पोइ हाणे जॾहिं असां पंहिंजनि ॿारनि खे मस्जिद में वठी वेंदा आहियूं पोइ असीं इहो रियलाइज़ कंदा आहियूं त यार असांजा पेरेंट्स असांखे वठी विया त असांखे आदत पई मस्जिद वञण जी निमाज़ पढ़ण जी हर शइ जी त ॿारनि खे मस्जिद ज़रूरु वठी वञो बिल्कुलु छो त जेके बॉयज़ हुजनि जेके बि बॉयज़ हज़रात आहिनि उहे नंढड़ा नंढड़ा जेके अगरि सम्झंदा त यार ॿार तंग कंदो आहे मस्जिद में ऐं ॿार जो कहिड़ो कमु मस्जिद में असीं त निमाज़ में मगन हूंदासीं मशगूल हूंदासीं पर ॿारनि खे न नंढड़े हूंदे खां आदत पवंदी
इबादत सजदो करुकू करो जारी गाल अल्लाह के घर में रौनक ही होंगी अल्लाह के घर में सुकून ही हों हर को पांजे पांजे तरीके सा पांजे पांजे तरफ जी नेकियों पे बटोर है अल्लाह साईं के सामू पांजे पांजे तरीके से पे दुआओं घुरंद है केर पांजी सेहत के ला पे दुआ घुरंद है केर पांजी शादी के ला पे दुआ घुरंद है केर पांजी तालीम के ला पे केर रोजी रोजगार में भी उन मासूम बार जे निगाह अड़ी उन पे जो अल्लाह साईं वो दुआ ही कबूल करे वटे सो अज भी इंशाला जबरदस्त असो टॉपिक बो सोचे आया आई किरण अज पर आऊँ वही खाम खाई थोड़ा जज्बाती थी पवन सच्ची गाल है टॉपिक भी बिल्कुल बुधायो था पर उन पे आमिर मैं भी गाल डिस्कस कर चाहिंदस इतने जो माशाल्लाह अस हर टॉपिक से ऐसा हर बारे में ऐसा पर ही जो रमज़ान मुबारक जो महीनो है बरकतुन जो महीनो है तो इन में एकड़ी बी सुठी गाल इहा थी आए ता जापान जो मतलब इतरो पावरफुल कंट्री आए एडो वेल सेटल्ड कंट्री आए तो उन में तेजी सा मुसलमानन जी जो है तादाद वधी रही है जेके भी उते जापानीज हुजन या के बे भी कम्युनिटी सा उता जा मानु जेके भी हैं इस्लाम कबूल करे रहा है ये ट्रेंडिंग ते आ हियर ता दिसो मतलब जापान में कोई एड़ो मानु ता के मस्जिद में ये नजर नहीं इंदो वो हर कोई बने तो इस्लाम कबूल करे तो बकायदा रोजा रखे माशाल्लाह या ता तमाम एकड़ी खुशखबरी जी गाल है आऊं ब कल एकड़े व्योस इफ्तार कई चाह चवे इफ्तार उत कोरियन एम्बेसडर आयल हुए इन मजे से पे इफ्तार भी कयो पे खजूर भी खादई पे मतलब अस अगर दुआ पे घुरी रोजे का पो वरी तो उनते आमीन भी कयो पे सो पांजो मजहब एडो खूबसूरत है प्यारो है मिठड़ो है जो मिठो नालो मोहम्मद जो सो अस उन फॉलोवर आयूँ तो ऑब्वियसली दुनिया तो अट्रैक्ट थी इंशाल्लाह जरूर सो अस टॉपिक से लम्हा पा लम्हा चई तो छो कल इफ्तार माना उछलाए छो ग्राउंड में यो अस बाकी हाँ उनके फर्दर अस मुनारी लम्हा पा लम्हा अस इन डिस्कस कर अज भी खोड़ सारा मेहमान असाजे फ्लोर से हमेशा वगैरह कारी जमाल साहब असि ट्रांसमिशन की खूबसूरत तरीके से आगाज वरतो अच्छा अज ज़ैनुल आबदीन असा सा गड है यो नंडड़ो होंदो नंडड़ो होंदो असा जे ट्रांसमिशंस में इंदो अल्लाह साईं इन ये खूबसूरत आवाज़ रखी है ज़ैनुल आबदीन दिसी न तो सके पर ज़ैनुल आबदीन की जेका आवाज़ है सारी दुनिया मजे से बुधंदी है ज़ैनुल आबदीन के हमेशा हर को दुआओं ही दींदो है तो ज़ैन तहांके बस ही भलीकार चाहूँ था बो असा गड अवेस पालारी साहब आन असा सा गड मोहम्मद मुजम्मिल कादरी साहब भी असा गड हेडा असा जी भेण वेठी है समीना कासिम अब्बासी तहांके भलीकार चाहूँ था भेण थोड़ी देर मोबाइल भले रखी छो हाँ मुख्य बुधा हमद केर बुधाई असा के अज सब बार बार वेठा हाँ बार वागर ही क्लासरूम में कौन पुछब है ज़ैन तुम बुधाई असा हमद तां बुधाईंदा पालारी साहब हलो माशाल्लाह बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैक या हबीब अल्लाह मुझे रंग दे मुझे रंग दे मुझे अपने रंग में रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे मुझे अपने रंग में रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे मौला रंग दे मौला रंग दे मुझे अपने रंग में रंग दे मुझे रंग दे मुझे रंग दे मुझे अपने रंग में रंग दे तू करीम है तू रहीम है तेरी जात सबसे अजीम है तू करीम है तू रहीम है तेरी जात सबसे अजीम है नहीं तुझ सा कोई भी तू
दूसरा नहीं तुझसा कोई भी दूसरा, तू कबीर है तू अलीम है। मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे। मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे। मौला रंग दे मौला रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे। मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे। ये लताफतें ये इनायतें है तेरे करम की वजाहतें। ये लताफतें ये इनायतें है तेरे करम की वजाहतें। जो चमन में गए तो नसीम गए, जो चमन में गए तो नसीम गए, जो गुलों में गए तो शमीम गए। मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे। मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे। तू बईद भी तू करीब भी, तू मुहिब भी गए तू हबीब भी। तू बईद भी तू करीब भी, तू मुहिब भी गए तू हबीब भी। तू हरारत दिल आशिका, तू हरारत दिल आशिका, तू निशान अकल सलीम गए। मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे। मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे। मौला रंग दे मौला रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे। मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे। तमाम खूबसूरत असांखे हमद बुधाई पालारी साहब। अच्छा हाँ मुख याद पे अचे तो असांजी भेण के भी असांखे हम तां भी हमद बुधाइण वारा ना असांखे। हलो पो हिकड़ो अशार, हिकड़ो अशार तां बुधायो। मुझी भेण मोबाइल भी एक्टिव करे वेठी। अज माशाल्लाह सा पांजे प्रोग्राम में ब हमद पढ़ियो सुभान अल्लाह। सो यो अल्लाह साईं जी मेहरबानी। अच्छा
पान गालायो सी पे अज जेको रमजान में रमजान में जाहिर सी गाल है पान एकड़ी शे त पांजन व्यूअर्स के क्लियर कंदा हालू त असा आऊं स्पेशली पांजला चंदस त आऊं इस्लामी स्कॉलर को नया आई ना ही आऊं चा ता मखे वडी इस्लाम जी जान है आया वडो आलिम मुफक्किर ने ताई ना भाई आऊं जेके आलिमन जा शागिर्द आइन आऊं उनन जे भी शागिर्दन जो शागिर्द आया आई सिखा पियो बुधा पियो दिसा पियो त इन करे असि थोड़ो आऊं स्पेशली कोशिश कंदस जेके शयूं डिठियूं हुजन बुद्धियूं हुजन ऐं के वॾनि आलिमनि खां तस्दीक थियलु हुजे पोइ उहा जेका बि असांजे वर्ड्स में जेके बि असां सेंटेंस ठाहियासीं उन तरीक़े सां तव्हांजे साम्हूं पेश कंदा आहियूं। सो उन में अगरि का ऊच नीच थी पए ऊच नीच जी असां में हूअं ई थोरी उहा आहे त अगरि का थी वञे ग़लती त अलाह साईं माफ़ु कंदो असांखे। असीं पंहिंजी ट्रांसमिशन में कोशिशि इहा कंदा आहियूं त तव्हांखे बि जनरली तव्हां सां डिस्कशन कजे त रमज़ान में बिल्कुलु रोज़ा रखजनि निमाज़ पढ़जे तरावियूं पढ़जनि ऐं तहजिद पढ़जनि इहे बिल्कुलु इहे सभु इन्हनि जा आला साईं बिल्कुलु नेकियूं रखियूं आहिनि हिकिड़ा इन्हनि जा पंहिंजी फज़ीलत आहे इन्हनि जी। असीं तव्हांखे वरी ॿियनि एक्टिविटीज़ जे बारे में बि तव्हांखे गॾो गॾु ॿुधाईंदा रहंदा आहियूं त तव्हांखे रमज़ान जे रोज़ो रखी हेल्थ कीअं तव्हांखे पंहिंजी सही करणु खपे तव्हां अगरि सुता पिया आहियो वधीक त इहो वधीक सुम्हणु बि सुठो कोन्हे को तव्हां वधीक खाओ पिया इहो वधीक सुठो कोन्हे को अमूमन असां वटि इहो ई थींदो आहे त कोशिशि कंदा आहिनि असांजा अच्छा इहे पोड़ा पका घटि कंदा आहिनि नौजवान वधीक कंदा आहिनि त पाणी एॾो पीअंदा जहिड़ो पंहिंजो पाण खे उठ सम्झंदा आहिनि त असां पाणी को स्टोर करे वठंदासीं एॾो पाणी पीअंदा सहरी माल न पी सघिबो आहे मूंखां हलंदो आहे सहरी में न इफ़्तार में मां शायदि ॾेढ गिलास खां वधीक मां न पी सघंदमि। मतिलबु हिकिड़ो तव्हां त सहरी कयो पिया सहरी खां पोइ यकदमि हूअं बि आहे त पाणी न पीजे मानी खाई हूअं चवंदा आहिनि पहिरीं पी छॾियो पाणी त आउं बि कोशिशि कंदो आहियां पहिरीं पीअण ॿी वरी पाण खां ग़लती अमूमन ख़ैर अलहमदुल्ला मूंखां इहा हाणे पंजनि छहनि सालनि खां न पई थिए पहिरीं मूंखां बि इहा ग़लती थींदी छो मूंखे ख़बर कोन हूंदो त आऊं बांग ॿुधी ॿुधंदोसि न सहरी जी बांग पई अचे पोइ रोज़ो ख़तमु कंदोसि। अच्छा तव्हांखे शायदि यादि हूंदो असां लास्ट ईयर या उन खां पहिरीं बि इहो सवाल कयो सवाल कयो अमूमन माण्हू इहो ई कंदा आहिनि जो जेॾी महिल बांग पई ईंदी आहे ओॾी महिल चवंदो हाणे सहरी जो वक़्तु ख़तमु थी वियो आहे पर न सहरी जो वक़्तु पंहिंजे टाइम टेबल जे हिसाब सां ई ख़तमु थींदो आहे बांग पोइ ईंदी आहे उहो इफ़्तार में जेॾी महिल ईंदी आहे बांग त ओॾी महिल रोज़ो खोलजे तव्हांजी इजाज़त हुजे त इन ते हिकिड़ो मूंखे वाक़ियो यादि आयो आहे ऐं उहो बि असांजे हज़ूर पाक सलाहु वसलम जो किसो आहे ईअं ई तव्हांखे ख़बर आहे त हज़रत बिलाल अल इस्लाम जेके आहिनि अज़ान ॾींदा हुआ ऐं ईअं ई सहरी जो वक़्तु हुयो हज़ूर पाक सलाहु वसलम सहरी करे रहिया हुआ ऐं उन्हनि जेको आहे हज़रत बिलाल हज़ूर पाक खे चयो त या रसूल अल्लाह सहरी जो वक़्तु हाणे ख़तमु थियो आहे त मां वञा थो अज़ान ॾियणु त हज़ूर पाक जन फ़रमायो त हा बिल्कुलु पर जीअं हज़रत बिलाल विया ऐं उन्हनि खे वरी अहसासु थियो त मां वरी हिकु दफ़ो वञी मतिलबु ॾिसी अचां त अलाए मतिलबु खाइनि पिया या छॾे ॾिनुनि त ॾिसनि पिया त अञा खाइनि पिया त वरी हुननि चयो त या रसूल अल्लाह सहरी जो कमु वक़्तु ख़तमु थी वियो आहे उते हज़रत बिलाल जेको आहे कसम खयो आहे या रसूल अल्लाह मूंखे अल्लाह पाक जो कसम आहे त सहरी जो वक़्तु ख़तमु थी वियो आहे त हज़ूर पाक खे हथ कढी छॾिया हज़ूर पाक चयो त फ़रमायो त बिलाल तूं जॾहिं अल्लाह जो कसम खयो त मां हथ कढी छॾिया न त जेसीं ताईं तूं अल्लाह जो कसम न खणी आहे त मुंहिंजो जेको रब आहे न उहो सहरी जो वक़्तु पोइ ते कंदो सहरी जो वक़्तु पोइ ते कंदो वञे ऐं मां खाईंदो रहां ऐं सहरी जो वक़्तु वधी वञे हा जेसीं ताईं तूं कसम न खणी सुभान अलाह सुभान अलाह माशाल्लाह तमामु ख़ूबसूरत ॻाल्हि ॿुधाई आहे तव्हां असांखे सो पाण उन्हनि जा ई फॉलोवर्स आहियूं ऐं पाण नेक अमाल कंदासीं त अलाह साईं वटि बि क़बूल पवंदा सो कोशिशि कंदा कयो हिकिड़ो त या नसीब सम्झी सहरी न खाईंदा कयो ना ई इफ़्तार कंदा कयो त या नसीब पोइ मिले न मिले सो बिस्मिला करे खाईंदा कयो बिस्मिला करे ई रोज़ो इफ़्तार कंदा कयो ऐं पोइ अलाह साईं बि बरकत ॾींदव बाक़ी हाणे खाम खाई प्लेटूं भरे जग भरे खाईंदा ॿ समोसा खणंदा टीह समोसा फ्रूट चाट जा ॿ चमचा खाईंदा खणंदा ऐं सौ एॾो प्यालो भरे पाण में वेठा आहियूं होल छो थींदो बसि इहो हिकिड़ो रोज़े वारी जेका पोज़िशन हूंदी आहे न ओॾी महिल माण्हुनि खे मुख़्तलिफ़ ख़्यालात पिया ईंदा आहिनि त हेल रोज़ो जेको आउं खोलींदसि उहो पहिरीं त कुझु जेके कचा रोज़ेदार हूंदा आहिनि उहो त इहो सोचे वठंदा आहिनि दिमाग़ में सुभाणे त रोज़ो कोन रखंदसि ऐं इन करे हाणे अॼु ठलो रोज़ो खुले मुंहिंजो
समझो अज ठलो रोज़ो खोलियां तो सुबाने को पर एडो जो रोज़ो रखा है पे दफो को चंदा भाई एक दफा मोहब्बत करके तो देख तो रोज़ो भी ये होंगे एक दफो तुम रोज़ो दिल से रखो ना चाहिंदा तो यार टीह ही रखा रोज़ा इन रमजान महीने की इन रोज़न की मोहब्बत ही अड़ी है सजो डी असा भुखत न रही सकंदा यो हु नॉर्मल डेज में जदी रमजान न हुंदवा त असा भुखत न रही सकंदा असा की क्रेविंग थिंदी असा की भुख लगंदी एकरो सेकंड असा का भुख बर्दाश्त कोन थिंदी पर ही 12 13 14 कलाक जो को रोजो आ या अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मतलब मा चवा थी काडे वही असा जी उन काडे वही असा जी भुख एहसास ही न थिंदो बिल्कुल बिल्कुल तरी तो चंदा रोजो तक्वा से खारिंदो आ असा सुभान अल्लाह आई हकीकत में तावरी गाल त रोजो रखी पान ये सब शयूं बर्दाश्त कर पर इो पान इो सोचे अगर क्यों तो इन पाँगी जहनुम की बाह सड़े पी हाँ पाँ मुसलमान जो दीन है ईमान है तो असे ढी इन दुनिया में वनो है भाई जन्नत जन्नत मा रोजेदार दाखिल थिंदा उन जन्नत जो नालो है रयान सुभान अल्लाह ठीक आ त हाने असा पे रस्तो ठाए रहे हैं रस्तो ठाए रहे हैं बेशक असा पे रस्तो ठाए रहे हैं ऐ उन जन्नत में सिवाय रोजेदारन जे कोई दाखिल कोन थिंदो सो यो एकड़ो असा जो रस्तो ठाए रहे हैं असा पाण पे हथन सा सुभान अल्लाह जबरदस्त आज मेहमान इलाही है असा वट सो असी हाने गुजारिश कंदा असी ज़ैनुल आबदीन के त असा के नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुदा बलगल उलावे कमाल ही कशफाद जावे जमाल ही हसुन जमीयू किसाल सलो आल है व आल बलगल उलाबे कमाल दर नबी पर होगा सुभान अल्लाह माशाल्लाह तमाम खूबसूरत असा के ज़ैनुल आबदीन असा के नाते शरीफ बुधाई असा के अच्छा अगर स्पॉन्सर्स पढ़ी वठो बिल्कुल स्पॉन्सर्स भी असा सा गड आहन आई ऑलवेज गड हुंदा हन जी हाँ त अज जो जो स्पॉन्सर आहे वो है अदालदा कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति ताकि खबर आता जी असा रेसिपी ठाइंदासी वो डालडा कुकिंग ऑयल में ठाइंदासी थोड़ी देर में असा मैरिन की तरफ भी हलंदासी उनका अलावा सगद है हमदर्द जो रूह अफ़ज़ा पाकोला मिल्क तक खबर आता सिर्फ यो मिल्क ना है यो फ्लेवर्ड मिल्क भी है जैमें ज़ाफ़रान चॉकलेट ए स्ट्रॉबेरी काफ़ी फेमस फ्लेवर्स जो हर घर की हर बार की नंढे वे की पसंद आन टपाल मेज़बान है नसीब मसाला है उनका अलावा बेक पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट टैंग है लाजवाब मसाला क्विज शरबत ट्रूली टेस्टफुली आइसक्रीम सीरप ए शरबत है इन सो so, बिल्कुल मां जबरदस्त ये अज असा जा स्पॉन्सर्स जिन पेरे रोजे का वठी साथ दिनों बड़ी है डालडा घुमण वे हो सो बिन दिन का पोई डालडा वापस अची वे सो अच्छा ये मोस्टली मु घरन में डालडा वधिक यूज थिन है ना हां बया है नंडे होदे का सा यूज कर ले आया नंडे होदे का काने छ जहां मामता वहां डालडा हर माओ जी पसंद आ डालडा असा अच्छा ही हाने आऊं एकड़ी गाल शेयर कंदो वाला इन सारी मानु यो दिमाग ना रंदा इन जी उम्र इलाही वडी है असा ये असा शयो सिखियो हुंदी बुद्धि हुंदी के असी जाहिर है डालडा असी नंडड़े होंदे का घी इस्तेमाल कर घी का कुकिंग ऑयल तो पो आयो आयो घी घी कदा असी एडा पोड़ा कोन आयो सो ये सब शयो है सो जुरी सुठी गाल है इन चेंज के पान घरन में यूज कयो पर हमेशा जाहिर गाल है पानी सेहत जो जरूर ख्याल रखो हर कें प्रोडक्ट के पोया उन जो डिटेल्स में उन जा इंटीग्रेशन्स लिखल हूँ तुम उन्हें पढ़ी सियान सा
पोइ तव्हां सभु शयूं शयूं यूज़ कयो। सो हींअर वक़्तु थियो आहे हिकिड़े ब्रेक जो, असां सां गॾु ई रहिजो, अचूं था हिकिड़े ब्रेक खां पोइ। तव्हांखे भलीकार कंदासीं महिमान रमज़ान में ऐं किचन सेगमेंट तव्हां ॾिसी रहिया आहियो डालडा जे ताउन सां, जहां ममता वहां डालडा, न बदले ज़माना न बदला डालडा, न बदला रमज़ान न कम हुई रमज़ान की बरकतें ना ही बदला डालडा। 80 सालों से भी ज़्यादा माओं का डालडा पर बेहद भरोसा, डालडा को बनाता है एक कामयाब ब्रांड। रमज़ान की बरकतें और डालडा की बचत साथ साथ, डालडा की जानिब से आप सबको रमज़ानुल मुबारक। डालडा लाया ज़्यादा सेहत, ज़्यादा क्वालिटी, क्योंकि डालडा क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। रमज़ानुल मुबारक की बरकतें मज़ीद पुर रौनक बनाने के लिए डालडा लाया है अपनी मुनफरिद रमज़ान पैकेजिंग रेंज। ये डालडा की तरफ से अपने सारिफ़ीन के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है। बिल्कुल उन सा गद आहे असां सां गॾु हमदर्द जो रू अफ़ज़ा, ऐं रू अफ़ज़ा जो चवणु आहे त माशाल्लाह तव्हांखे ख़बर आहे त हीअ नेचुरल रिफ्रेशिंग एनर्जाइज़िंग ड्रिंक आहे। रू अफ़ज़ा इज़ यूज़ राउंड द ईयर इन द एवरी सीज़न, यानी हर सीज़न में ही यूज़ थींदो आहे। ऐं माशाल्लाह सां इफ़्तार की टेबल पर रू अफ़ज़ा ना हो तो कुझु कमी सी रहती है। इफ़्तार पर रू अफ़ज़ा आपके जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है। सहरी में भी इसका इस्तेमाल दही के साथ सारा दिन आपको प्यास लगने नहीं देता। रू अफ़ज़ा में रमज़ान में सबकी पहली पसंद है। इफ़्तार रू अफ़ज़ा के बग़ैर अधूरी लगती है। पूरा दिन रोज़े के बाद एनर्जी लेवल्स लो हो जाती हैं। इफ़्तार पर रू अफ़ज़ा पीने से आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। मां अटकी इन करे पई पढ़ां जो ही पॉइंटर्स जेके लिखियल आहिनि, राइटिंग एॾी नंढड़ी हिन में फोटोकॉपी थियल आहे ऐं मुंहिंजी नज़र बि थोरी कमज़ोर आहे, इन जे करे मूंखे थोरो ईअं गौर सां पढ़णो पियो पवे जो मां को ग़लति वर्ड यूज़ करे न छॾियां, पर बहरहाल सम्झण वारा सम्झी विया हूंदा त रू अफ़ज़ा जेको आहे तव्हांखे ख़बर आहे त हर घर जी पसंदि आहे, नंढे वॾे जी पसंदि आहे, ऐं हर कंहिंखे मज़ो ईंदो आहे इफ़्तार में रू अफ़ज़ा पीअण सां। जी मैरी जी, मशरूब मशरिक़ पाकिस्तान में नहीं बल्कि 35 ममालिक में पिया और पसंद किया जाता है, और इसकी ताज़गी और ठंडक के लिए बेहतरीन नेचुरल मशरूब है, और रू अफ़ज़ा बनता है नेचुरल अज्जा से, इसलिए ये सब ही से बेहतर है। जी, और आज हमारे साथ उसके साथ हैं लाजवाब मसाले, टैंग, बेक पार्लर और नसीम मसाले, और आज की जो हमारी रेसिपी है किरण, वो भी हम लाजवाब मसालों से बनाएंगे। क्या बना रही हैं आज? हमारे पास जो है ये बॉम्बे बिरयानी, चिकन बॉम्बे बिरयानी हम लाजवाब मसालों के साथ बनाएंगे। वाह, जबरदस्त। तो मेरा ख्याल है फिर इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है। बिल्कुल टाइम लगता है, डालडा में पकाएंगे और लाजवाब के मसाले से यूज करेंगे। और इस पे हम एक और बात करें कि हम पाकोला मिल्क को भूल गए। पाकोला मिल्क जो भी ताउन आहे असां सां गॾु, जेको बिल्कुल वाइट प्योर मिल्क सां गॾु गॾु फ्लेवर्ड मिल्क भी आहे, जंहिंमें ज़ाफ़रान, चॉकलेट ऐं स्ट्रॉबेरी फे ॾाढा मतिलबु पसंदि कया वेंदा आहिनि फ्लेवर्स, स्पेशली नंढनि वॾनि में जेको आहे ज़ाफ़रान तमामु घणो पसंदि कयो वेंदो आहे। जी मैं अच्छा, मैंने बिरयानी के लिए जो लिया है इधर हमारी तकरीबन चिकन जो है वो 1 किलो के करीब है। ठीक है, ठीक है। इसमें मैंने 4 आलू लिए हैं, उनको बीच में से काट लिया है, चाहें तो आप साबुत रखें। इसमें मैंने 4 प्याज ली हैं और तकरीबन 4 ही टमाटर मेरे पास कटे हुए हैं, बाकी जो हम दम के लिए यूज़ करते हैं टमाटर, मिर्चें, धनिया वगैरह हमें चाहिए होगा। 1 कप हमारे पास दही है, 1 चाय का चम्मच और 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन है, रंग है, और हमारी ड्रिंक हम बनाएंगे रू अफ़ज़ा विद लेमन,
तो वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक होती है। तो जी चलें स्टार्ट करते हैं भाई, हमारा सिलेंडर तो ऑन कर दिया करें जब हम यहाँ आए तो। हाँ सिलेंडर ऑन है, तो मेरा ख्याल है आप इस तरफ आ जाएं थोड़ा सा, जब तक आप हमारे ब्रांड की बात करते हैं। हमारा जो नसीम मसाला भी असा सगद आहिनि, नसीम मसाले जी भी हिकिड़ी ज़बरदस्त रेंज आहे, ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त तव्हांजे स्क्रीन जे साम्हूं अची रहिया आहिनि मसाला पाकोला मिल्क भी आहे, रू अफ़ज़ा भी आहे। कल हमने बेक पार्लर की जो टिक्का मैक्रोनी बनाई थी, कैसी थी वो? बहुत मज़ेदार थी, बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ेदार। मैंने ट्राई नहीं की थी तो मैंने कहा पूछूं उसका रिव्यू। नहीं, मैं भूल जाती हूँ, सॉरी। डेली आपको रिव्यू देना, फीडबैक देना, लेकिन बिलीव में बहुत मज़े की बनी हुई थी। गुड गुड। और इसके साथ साथ आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अच्छा गालन मेड़ो होती वेंदा आहियूं, बिज़ी जो ख़बर ई न पवंदी आहे, स्पॉन्सर्स जा नाला खणणा, रेसिपी करणी आहे, टाइम घटि हूंदो आहे, इन करे जेको आहे न असांखे सलाम करणु विसरी वेंदो आहे। अच्छा बिरयानी में बस जो इसकी जैसे ग्रेवी होती है वो आप बना लें तो फिर आपका टाइम फिर तो नहीं सारी चीज़ें क्विक हो जाती है। अच्छा इसको भी ऑन कर दूँ ताकि पानी भी बॉयल होता रहे साथ साथ? ऑन कर दें। एक कप से थोड़ा सा कम ऑयल लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वान्टिटी ज़्यादा है। और चावल मेरे पास तकरीबन इसमें मैंने सेला चावल लिए हैं 3 कप के करीब। ठीक है ठीक है, तो हमारी ये 1 किलो से ऊपर ही बनेगी बिरयानी। ठीक है, तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हल्की सी प्याज डालते हैं और आप मुझे ये मसाला निकाल दें। लाजवाब, लाजवाब का बॉम्बे बॉम्बे बिरयानी मसाला। जी तव्हां ख़बर आहे त भई टैंग भी आहे, लाजवाब मसाला भी आहिनि, रू अफ़ज़ा भी आहे, बेक पॉलर भी आहे, ऐं पाकोला मिल्क भी आहे। इहे मेन स्पॉन्सर्स आहिनि असांजे महिमान रमज़ान जा। हिननि खां सवाइ असांजी ट्रांसमिशन ऐं असांजी इफ़्तार ऐं रेसिपीज़ अधूरियूं हूंदियूं आहिनि। अच्छा अब आज माशाल्लाह 14वां रोज़ा है, जिसको हम मंझला रोज़ा भी कहते हैं, 15 से छोटा वाला। तो जो है माशाल्लाह देखते देखते 14 रोजे हो गए, पता ही नहीं चला ना। पता नहीं चला। कहाँ कहाँ से कीड़े निकलते हैं। प्याज को ना अच्छी तरह जब भी बिरयानी बनाएं या कोई सालन बनाएं तो उसका जो अच्छा कलर आएगा ना, चिकन का जो आपने देखा बाज़ार में थोड़े चिकन में अच्छा सा कलर होता है, तो प्याज को हल्का गोल्डन ज़रूर करें, फिर उसके बाद चिकन डालें, क्योंकि वो उसका जो कलर है ना, और जो प्याज वरना कच्ची कच्ची नहीं रहेगी, जो आप उसकी यखनी बनाएंगे तो उसमें प्याज टमाटर नज़र नहीं आने चाहिए। जब प्याज अच्छे से ब्राउन होगी, ब्राउन करना चाहिए, ब्राउन होगी तो फिर प्याज जो है मिक्स हो जाएगी। जैसे हमने उस दिन कोरमा बनाया था तो ब्राउन प्याज नज़र नहीं आ रही थी किधर चली गई, वो तो हमने खैर ब्लेंड भी की थी उसको योगर्ट के साथ ब्लेंड किया। हाँ योगर्ट के साथ ब्लेंड किया था। अभी मैंने बीच में भी कोई और रेसिपी बनाई थी जिसमें प्याज मैंने अलग से ऊपर से डाली थी। हाँ कुछ था, क्या था याद नहीं, याद माशाल्लाह एडियो रेसिपीज चाहिए रही है मुझे भी याद ही खुद को तो छा हो जे में बसर भी दो सही है, लेकिन बड़ी अल्लाह की रहमत है कि रमजान में मौसम बहुत अच्छा माशाल्लाह, वरना ये गर्मियों के रोजे हैं और बिल्कुल पता भी नहीं लग रहे हैं कि ये वाकई रोजे चल रहे हैं। और रात को तो स्पेशली बहुत अच्छा वेदर हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है।
और मतलब एक सारा दिन मेरा तो खैर बहुत बिजी गुजरता है, लेकिन ना भूख लगती है और ना ही प्यास नहीं, लगती बिल्कुल है, एहसास नहीं होता, बिल्कुल पता नहीं होता। ठीक है, डे टेम्परेचर थोड़ो हाई थियण शुरू थियो आ, पर घरन में अन्या तई जेको आ ना वा फीलिंग कोन थी अचे पई, त मतलब मैं इसलिए कह रही थी कि ये मुझे नहीं चाहिए। और अगर चाहिस अच्छा, आपके यहाँ कब बनती है बिरयानी? बिरयानी का कोई दिन नहीं दिन होता नहीं, जब दिल करता है बिरयानी बना लेते हैं। अच्छा, बाज लोग या तो जुम्मे को बनती है या फिर इतवार को बनती है, बनती है। मगर ये है कि मेरा जब दिल करता है मैं बना लेती हूँ। बिल्कुल, अच्छा ये प्याज यहाँ पे हल्की गोल्डन होना शुरू हो गई है, मैं चिकन भी डाल देती हूँ, मुझे आलू भी डालने हैं, चिकन भी डालनी है, तो वो मैं साथ साथ तो बना लूँगी। अच्छा, लहसुन अदरक बाद में डालेंगे, लहसुन अदरक बाद। अच्छा, जब चिकन हम प्याज के साथ डालते ना तो लहसुन अदरक आप बेशक मसालों के साथ डालें, डाल दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप जब सिर्फ चिकन डाल रहे हो ना तो पहले लहसुन अदरक डाल दें। सही। हर घर की पसंद, नंढन वडन की पसंद, माई मेरी तो बिरयानी लवर आयूं, बिल्कुल असके तो जै वक्त बिरयानी मिले अस खाइंदा आयूं। दिसो एडा राजेश भाई भी चवे तो, अमान ला भी चवे तो, एडा अली अहमद भी चवे तो, ओ भी मां भी आवाजू थी अचन, रड़ियूं थी अचन बाकायदा। कल तो मेरे पास खादिम रड़ियूं करे रहा, वाइश आई थी के हां नहीं बिरयानी, जावेद जी भी आवाज अचे थी, एनडी जी भी आवाज अचे थी, सबनी जी आवाज अचे थी। आप देखिए भी आए आज तक, हां हर गली में बिरयानी के दो तीन आपको शॉप्स मिलेंगे। बस पाण भी आने बिरयानी जो दुकान था खोलो सब मिली करे आडी लंदी ए मेरीन बहुत चलेगी ना। हां बहुत चलेगी, बिजनेस करते हैं उसका, वाकई करना चाहिए भाई। आपकी जो भी स्पेशलिटी है ना वो बंदा करे, बंदा करे, हाँ ट्राई जरूर करें। चलना ना चलना या नसीब, हाँ नसीब की बात है, ट्राई करना चाहिए, आपको अफसोस नहीं होगा कि मैंने कोशिश तो की थी ना, वरना एक आप उसमें होते कि काश मैं कर लेती, हाँ काश ऐसा हो जाता। हाँ, जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था तो मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ तक आ जाऊंगी। अच्छा, मैं मतलब वैसे आज आपका इंटरव्यू भी होना चाहिए ना, ये हाँ, काम आपने स्टार्ट कैसे किया, वो स्टेप क्या था जो आपने लिया था? मैं हाँ, जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो आपको पता है कि जॉब्स वगैरह भी ख़त्म हो गई थी बहुत, हाँ, सारी, तो बहुत सारी इन्फ्लेशन और रिसेशन चल रहा था सही हर जगह, तो हमने सोचा कि भाई चलो कोई ऐसा काम करते हैं सही जो घर से हो। सही, तो मैंने कहा कि भाई चलो, मैं खाना शुरू से ही सबको हाथ का मेरे पसंद आता था, तो सब लोग कॉम्प्लीमेंट करते थे कि भाई आप रेस्टोरेंट खोलें। सही, तो मैंने कहा भाई रेस्टोरेंट लेवल पे तो मैं नहीं आ सकती हूँ एकदम, तो मैं ऐसा करती हूँ घर से काम स्टार्ट करती हूँ। सही, तो मैंने घर से अपना काम स्टार्ट किया, जो लोग मुझे जानते थे उन्होंने बहुत ऑर्डर्स किए, ये किया, फिर पसंद आए, फिर यहाँ KTN से भी बहुत सारे ऑर्डर आए, तो आप क्या मतलब जो ऑर्डर्स डिलीवर करवाती हैं कोई राइडर आपने रखा हुआ है या किसी कंपनी के थ्रू आप वो डिलीवर करवाती हैं? नहीं, मेरा अपना प्राइवेट वो है डिलीवरी मैन है, और आजकल तो खैर जैसे अगर बहुत ज़्यादा दूर की कोई होती है तो हम उसको अपने प्राइवेट को नहीं करते हैं। अच्छा। कराची में कहीं पे भी ठीक है, वो आपको आप प्री बुकिंग हो आपके ऑर्डर की और वो हो जाता है। और दूसरा, अब मैं टमाटर डाल रही हूँ, मैंने अच्छी तरह से लहसुन अदरक डाल के चिकन को भून लिया है, तो वो अगर बहुत दूर होती है तो आजकल तो माशाल्लाह इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि बहुत सारी कोरियर सर्विसेज अवेलेबल हैं, हम उनके थ्रू
सेफली पैकेज जो है वो डिलीवर करवा देते हैं। तो फिर मुझे जब ये वाला काम स्टार्ट हुआ तो फिर मुझे कुकिंग शो की भी ऑफर हुई, फर्स्ट KTN से ही हुई। तो फिर मैंने सहर ट्रांसमिशन की, फिर उसके बाद मुझे नेक्स्ट ईयर इफ्तार ट्रांसमिशन हुई या तीसरी हुई। फिर बीच में मैं उर्दू चैनल्स पे भी, डॉन पे भी मैंने काम किया, मसाला टीवी पे भी मैंने काम किया। अब आने वाले दिनों में और चैनल्स पे भी हैं कमिटमेंट्स। अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ मेरा अपना काम भी चलता रहता है, जो फूड बिजनेस का काम है वो भी चलता रहता है। एक होता है ना कि इंसान को पता हो कि यार मुझे यहाँ से स्टार्ट लेना है, इतना स्टार्ट वठनी आ आई मुझे कम हली पवंदो। कुछ माण्हू वरी कंफ्यूज हूंदा आहिनि इन ई सोच में, जेको आहे पंहिंजो टाइम बर्बाद करे छॾींदा आहिनि त असां इहो कमु स्टार्ट कयूं त कयूं कीअं, कीअं शुरूआत कजे, कीअं करणु घुरिजे, छा करणु घुरिजे। त बहितर इहो ई आहे त को बि बिज़नेस जॾहिं तव्हां स्टार्ट कयो था एडवाइस ज़रूरु वठो। देखिए बिल्कुलु ज़रूरी नही आहे कि आप का बिजनेस सक्सेसफुल हो। हर बिजनेस को तकरीबन 6 महीने तो सिर्फ सेट होने में नहीं जाते, और अगर आप प्रॉफिट या कामयाबी की बात करें तो साल 2 साल तो आपको देने पड़ते हैं आराम से। अच्छा मैंने यहाँ पे पानी लिया है और चावलों के अंदाजे के हिसाब से उसमें डालडा कुकिंग ऑयल डाला है। अब मैं इसमें 3 खाने के चमचे नमक डाल रही हूँ, ठीक है, जिसमें हम अपने चावल बॉयल करेंगे। ठीक है, और इसी बात पर चलते हैं ब्रेक की तरफ। पर ब्रेक का पहरियां डालडा कुकिंग ऑयल में अजय सांजी रेसिपी रेडी थी रही है, जहां मामता वहां डालडा लाजवाब मसालन जो बिरयानी मसाला में असि अज चिकन बिरयानी रेडी थी रही है। सो वक्त है ब्रेक जो, जल्दी वापस आ जाए। जी दोस्तों, एक दफो वरी तांके भलीकार चाहूँ था मेहमान रमजान की ट्रांसमिशन में। इन का पेरी किचन जो सेगमेंट हो जो डालडा वारन जो तावन जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम मेरी, हमने वैसे तो सलाम दुआ की थी लेकिन वो लाइव सलाम दुआ नहीं की थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो जरूरी है। कैसी हैं आप? हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमने स्पॉन्सर्स के नाम ले लिए, रेसिपी की के ऊपर बात कर ली, हर चीज के ऊपर बात कर ली, फिर हमने बोला अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल बिल्कुल, सलाम दुआ करने से एक दूसरे पे अल्लाह की रहमत भेजना जरूरी होती है, और जो है वो खुशी भी होती है कि भाई आपने याद रखा। और इसमें तो हमें 70 नेकियों का सवाब मिलता है। जी बिल्कुल। और आज आप जग मशहूर चीज बना रही हैं। मैं देखें सबकी फरमाइश एक एक करके पूरी कर रही हूँ रमजान में, ये जो है वो भाई किसी को कोई शिकायत नहीं हो कि हमने ये नहीं बनाया। नहीं नहीं, ये जग मशहूर बिरयानी है, और बिरयानी यूं समझ लें कि हर घर का अफराद एक, वो मतलब जैसे हर घर में रहते हैं ना, भाई है, ये मेरी बहन है, ये अम्मी है, ये अब्बू हैं, और ये मिले बिरयानी है, तो मतलब वो हमारे घर का एक मेंबर बन गई है। बिल्कुल, अगर हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन ना हो तो घर खाली खाली सा लगता है। बिरयानी लवर आयू ना सा। बिल्कुल बिल्कुल, जे वक्त असा के असा खाइंदा सी। बिल्कुल हां, और बस बोल दिया है तुम्हारा आपने, चाहिए आप लाइव बोल दिया है। मेरी ने इसका ख्याल रखी है हमारे, वो कह रहे हैं कि वरना मैं साउंड गलत दूंगा ना, तो मैं मेरीन की जगह आमिर का साउंड दूंगा और आमिर की जगह मेरीन का साउंड दूंगा, वो भी चलिए ऑडियंस एंजॉय करेगी, अच्छा है, गो फॉर इट। अच्छा मुझे तो धमकियां मिलती हैं अंदर से वहां से कि अगर आज खीर नहीं मिली तो मैं आपका माइक बंद कर दूंगा। आप तो मोहब्बत करते हैं ना,
मतलब थ्रेट करने लगे लोग, मैं तो इतना ख्याल रखती हूं। देखिए आपसे ये मोहब्बत का इजहार करते हैं सब कि मतलब डिमांड है, मैं मानती हूँ भाई आप अच्छा लगता है मेरा हाथ का खाना, लेकिन धमकियाँ कि मैं साउंड बंद कर दूंगा। वो तो बड़ी बहन को जिस तरह हम धमकियाँ देते हैं, अम्मी को बोलते हैं कि अम्मी अगर ये चीज मजाक कर रही हूँ तो वो इसी के, मुझे ऐसी थ्रेट्स मिलने लगी आजकल, यूज्ड टू हो जाए, बस यूज्ड टू हो जाए। नहीं नहीं, और नो डाउट ये बात वो हम क्या कहते हैं रोजे में झूठ नहीं बोलेंगे कि आपके हाथ में नो डाउट एक जायका है, एक टेस्ट है, और मतलब उस दिन आपने जो पूरा रमजान इसका हम सवाब दिल मतलब सवाब भी मिलेगा आपको। हाँ। आप रोजेदारों को खाना खिला रही हैं, इफ्तार अच्छी करा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। ये रेसिपी में अभी कितना टाइम होगा अभी? बस हमारी यखनी चावल तो हमारे हो गए और यखनी हमारी तकरीबन हमें 20 से 25 मिनट तो हो गए ना, इसमें 15 मिनट और हमें लगेंगे फिर डन है। ये वो तह वाले चावल बिरयानी, ये तह वाली बिरयानी है और हमने ये लाजवाब बॉम्बे बिरयानी मसाले से बनाई है, जबरदस्त, और इसकी खुशबू भी बड़ी जबरदस्त आ रही है। हाँ, इंशाल्लाह जब आप खाएंगे तो मजा आ जाएगा। इसके साथ हम अच्छा सा एक रायता बनाएंगे और मैं धुएं में नजर आ रही हूँ, मजीद अच्छा इफेक्ट आ रहा है, हो नहीं होता जिन के वो धुएं उड़ रहे हैं और पता नहीं क्या, वो ही लग रही है शायद। नहीं, आप नजर आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं और खुशबू के साथ नजर आ रही हैं, मतलब बिरयानी की खुशबू में से आप आ रही हैं नजर। अच्छा, तो बस ये कि इसके साथ हम अच्छा सा एक रायता बनाएंगे और हम रूह अफजा की नींबू के साथ जो है वो ड्रिंक बनाएंगे। जबरदस्त। तो जब तक हमारे मेहमान असा सा गड्डा हैं सो असी चाहिंदासी तो उन्होंने के टाइम मोहम्मद मुजम्मिल कादरी साहब के गुजारिश कंदासी दासा के नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह वसल्लम अलैहि हबीब बंदाए आशिगों खताकार मौला, मैं बंदाए आशिगों खताकार मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलब गार मौला, मैं बंदा आसी वाबस्ता गे उम्मीद मेरी तेरे करम से, वाबस्ता गे करम से, तेरा फकत तेरा फकत तेरा परस्तार मौला, मैं बंदा आसी इक तेरा इशारा गो और आसान गो मुश्किल, इक तेरा इशारा गो और आसान गो मुश्किल, इक लगेर उठे और मैं उस पार घुमौला, मैं बंदा आसी हूँ खताकार घुमौला, मैं बंदा आसी बाहर के उजाले मुझे क्या राह सुझाए, बाहर के उजाले मुझे क्या राह सुझाए, अंदर
के अंधेरों में, अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला, अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला, मैं बंदा आसी हूँ खता कार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। अच्छा मेहमानन के एक दफो वरी गुजारिश कंदासी त असां थोड़ो टाइम घटा है, अगर बब अशार पढ़ा तो सभी के मौको मिली वो लो। सो हाँ दींदी माजिद अली भंबरो साहब के जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله। मेसर साहब जन जी तमाम मशहूर काफी तां दोस्तन जी अडे पेश कयां पियो। पंजे दर ते सडे एडा कुर्ब करे, पंजे दर ते सडे एडा कुर्ब करे, जे छिनीदार कदे माणो छा चवंदा, जे हानी ये छिन दे माणो छा चवंदा, पंजे दर ते सडे एडा कुर्ब करे, जे छिनीदार कदे माणो छा चवंदा। अल्लाह जे हानी ये छिन दे माणो छा चवंदा, तुझे दरवाजे तान वठे सोना खादो सी छान वठे, तुझे दरवाजे तान वठे मिठा खादो सी छान वठे, जे गुरों बोरत जे बिना जोल परे, गुरों बोरत जे बिटा जोल परे, जे छिनीदार कदे माणो छा चवंदा, जे हानी ये छिन दे माणो छा चवंदा, सब के खा सखी दर तो जो आ, मिसकीन महे सर तो जो आ, सब के खा सखी दर तो जो आ, मिसकीन महे सर तो जो आ, जो करत प्री मुझो हा उठरे, पजो करत प्री मुझो हा उठरे, जे छिनीदार कदे माणो छा चवंदा। अल्लाह जे हानी ये छिन दे माणू छा
चवंदा सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह हाने लास्ट में असान जो बियो एकड़ो नंदड़ो मेहमान आहे मोहम्मद उस्मान साहब उनन के रोजा उस्मान पहिरी त बुधायो त आपको रोजा है कहां है रोजा रोजा रखा है कहां रखा हुआ है पेट में रखा है चले सुनाए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते उनका मंगता हूँ नात पढ़ता हूँ तो आती है महकते बाकी नात पढ़ता हूँ तो आती है महकते बाकी मेरे लहजे को मेला नहीं होने उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते सुभान अल्लाह माशाल्लाह तमाम खूबसूरत असांखे नात रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद उस्मान साहब असांखे बुधाई किचन भी असो ऑलमोस्ट रेडी थे डायरेक्टर के इंतजार में हूँ टाइम है तो असा एक बे मेहमान के भी टाइम दूँ पर डायरेक्टर साहब चे तो ब्रेक जो टाइम थी वो है दोस्तों अचूँ एक नंढे ब्रेक का जी दोस्तों एक दफो वरी तांके भलीकार चाहूँ था असान जी इफ्तार जी ट्रांसमिशन में इफ्तार जी ट्रांसमिशन हुए इफ्तारी जो वक्त भी हुए तो आऊँ चंदस तो किचन जी तरफ हलूँगा जिते अज बिरयानी पे ठही सो दिसो छा पोजीशन है जी दम जी पोजीशन ते आही रे बिरयानी तह लगी विया है आई हाणे दम अची रहवा बिरयानी दम दम पियो चे न दम
अच्छा ये दम हुए मोस्टली दम कितनी देर देना चाहिए मतलब नॉर्मली? देखिए बिरयानी बिल्कुल रेडी है, बाज़ लोग छोड़ देते हैं, चावल भी बिल्कुल रेडी है, उसमें होता है चावल बैठ जाते हैं, आप जो है ना जैसे बस चूल्हा आप ऑन कर दें और उसको 5 मिनट अच्छी तरह तेज़ आँच पे पूरे देगची को एक दफ़ा सेंटर में रखें, फिर उसको घुमाएं थोड़ा आधा कर दें, थोड़ा इधर कर दें, थोड़ा इधर कर दें और उसको छोड़ दें, वो स्टीम में ही 5 से 8 मिनट में फर्स्ट क्लास बन जाती है। अच्छा इस पोजीशन पर आकर थोड़ा सा बिरयानी के चावल टूट भी जाते हैं ना जी? मोस्टली या तो पान चवंदा है सिंधी में रब थी वेंदा है, भत थी वेंदो है, या चावल का एक एक वो जो अलग हो जाता है, तो ये इसका भी कोई अलग हो गया। देखिए चावल को ना एक तो भिगोने का एक टाइम होता है, ठीक है, भिगोने से वो हो जाते हैं नरम, सही है, और उसके बाद आप ज़्यादा भिगोएंगे, जैसे सेला चावल आप ले रहे हैं उसको 1 घंटा मस्त भिगोना है, ठीक है, और अगर आप नॉर्मल चावल ले रहे हैं उसको 30 मिनट आपने लाजमी भिगोना है, ठीक है, इससे ज़्यादा भिगोएंगे तो जाहिर सी बात है वो नरम हो जाते हैं। अब आपने जब बॉयल करना है, क्योंकि पानी आपका गर्म है तो वो आपको 5 से 8 मिनट में वो जल्दी, जैसे पास्ता बनता है वैसे ही चावल बनते हैं, और पास्ता तो फिर भी थोड़ा थिक होता है, चावल तो थिन होते हैं, तो वो फौरन बन जाते हैं, और आपने चेक करना है जब चावल एक कनी उसमें रह जाए, यानी कि वो टूटे लेकिन पूरा नरम मसले नहीं, तो उस कंडीशन में आपने चावल निकाल लेने हैं, छोड़ना नहीं है। ज़बरदस्त, तो चलें आप जब पूरा दम हो जाए और जब डिश आउट हो जाए तो फिर हम फिर आपकी तरफ आएंगे। अभी हमारे पास फ्लोर पर हमारे समद अली साबरी कवाल ब्रदर्स भी आ चुके हैं, और एक हमारी बहन हमेशा क्लास में भी आप लेट जाती होंगी, हाँ हाँ, तो इस वजह से ये थोड़ा सा लेट आई, तो उन्होंने कहा कि मैं ट्रांसमिशन में आई हूँ, तो कुछ अशाराओं बुधाया था के अरिबा इस्लाम के ऐसी गुजारिश कंदासी दीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, ये चक्की सही अदा की चल रही है, ये चक्की सही अदा की चल रही है, जमाना उससे लंगर रहा है, जमाना उससे लंगर खा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सो हाणे सॼो टाइम समद अली साबरी कवाल ब्रदर्स खे ॾींदासीं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, पहले तो आपको रमज़ान शरीफ का महीना मुबारक हो, और रमज़ान शरीफ के दूसरा अशरा भी मुबारक हो, और इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि बकाया रोज़े भी हम सब के इंशाल्लाह अच्छे ही जाएंगे। तो सर अभी लास्ट का सेगमेंट आपकी तरफ ही है, पहले क्या सुना रहे हैं आप हमें? सुभान अल्लाह, Thank you.
Oh,
माशाल्लाह माशाल्लाह तमाम खूबसूरत तां असांखे नात बुधाई ऐं किचन जी तरफ हलंदासीं मुझे ख्याल सां डिश जेका आहे उहा डिश आउट थी वई आहे ऐं महरीन जी देखें हमारी बिरयानी रेडी है तो हम ये स्क्रीन पर भी दिखा दें कि बिरयानी भी रेडी है रायता भी रेडी है और हमारा रूह अफजा रूह अफजा भी रेडी बिरयानी भी रेडी और आज आप पे मानी किचन्स की कोई लिंक वगैरह नहीं दी क्या मतलब बहुत हाँ। चल रहा है नहीं हम बिजी चल रहे हैं वैसे हमारे इतने माशाल्लाह स्पॉन्सर्स हैं उसी में माशाल्लाह लेकिन मानी किचन्स भी साथ साथ होना चाहिए इंशाल्लाह और मानी किचन के इंस्टाग्राम के पेज के बारे में बताएं मानी किचन जो है बिलोंग्स टू मी महरीन और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मानीज डॉट किचन किचन में डबल एन है और अगर फेसबुक पे फॉलो करना चाहें तो मानीज किचन डिलाइट के नाम से फॉलो कर सकते हैं उस पर सारी डिटेल्स हैं और मानीज किचन का मेन्यू है चटनियां हैं आप चाहें तो वहां से ऑर्डर कर सकते हैं प्री ऑर्डर रिक्वायर्ड है और फॉलो करें कमेंट दें आपको कैसे लगता है खाना फूड हमारा ऑनलाइन भी और जो हम शो में बनाते हैं आपका फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट है जी ज़बरदस्त जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरीन आज आपने बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनाई हैं और इंशाल्लाह होप सो हम सब मिलके ये रेसिपीज एंजॉय करेंगे और मैं किसी की अलग से प्लेट में निकाल रही हूँ ऑन एयर बता दे रही हूँ ये कुछ ज्यादा ही निकाल दिया आपने ये मेरे हिस्से की दे दी आपने सो इंशाल्लाह दोस्तों वरी जिंदगी रही तो सुभाने वरी मुलाकात कंदासी ऐं असीं चाहूं पिया त रमज़ान पाण सभिनी जो ईअं खिलंदे ऐं हिक ॿिए खे दुआऊं ॾींदे ई गुज़रे सो लास्ट में समद अली साबरी कवाल जेके असां सां गॾु आहिनि उन्हनि खे ॿुधाए छा क्या ॿुधाईंगे सर आप हमें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह तो दोस्तों इंशाल्लाह सुभाणे मुलाकात थींदी खुदा हाफ़िज़ जी लो कलम के मालिक